पूर्व मध्य रेलवे के जीएम अनुपम शर्मा जी हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रांची से पटना के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में होगा और बोलिए पूरा जो ये ट्रैक जो बना है ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरिटरी में बना है, जो छोटा नागपुर का इलाका है ये काफी डिफिकल्ट माना जाता है, वैसे में इन्होंने किस तरीके से इस ट्रैक पे ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल परिचालन करने के लिए जो पहले ट्रायल किया है और उसके बाद आज ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची। ये टेरेन एक हिली टेरेन है और इस टेरेन के ऊपर रेलवे पहले नहीं बनी थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास अधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी है तो अब हमने इतने सालों बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर लिया है और ये बहुत अच्छा एक रूट है डायरेक्टली रांची से बरकाकाना के लिए और इसी प्रोजेक्ट में बरकाकाना से कोडरमा का भी रूट बना है और इससे जो रांची और पटना की दूरी है वो कम भी हुई है और आप देख रहे हैं कि आज हम जल्दी चलेंगे और इस रूट में हमारे फ्रेट ट्रेन्स भी काफ़ी रूट कम हुआ है और इस पर कई आयरन और ट्रेन आयरन एंड स्टील का हमारा जो मूवमेंट है वो भी होगा और ये न केवल पैसेंजर बल्कि फ्रेट के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा और इस रूट को बनाने में बहुत चैलेंजेस आए हैं और इसमें आप आगे अभी आप आगे देखेंगे किस तरह हम लोग जो हैं जब शाकी स्टेशन निकलेगा उसके बाद वैलीज हैं और टनल्स हैं और जब हम बना रहे थे उस दौरान भी हमें कई चैलेंजेस आए और कई हमें ऐसा भी रीडिज़ाइन भी करना पड़ा और उसके लिए हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन्होंने और जो हमारे सिग्नल्स हैं टेली कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं इन्हें बहुत अच्छा काम किया है और एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया है और अच्छी तरह यह हमारा सेक्शन अब चल रहा है और इससे आगे हमारा जो है काफ़ी इसमें झारखंड के लिए बहुत अच्छा इससे प्रगति होगी क्योंकि झारखंड से जो हमारा एक डायरेक्ट संपर्क रांची से कोडरमा के लिए हो रहा है और आगे गिरिडीह के लिए भी होगा।